वीवो जी टू प्रो। हाँ गाइज, वीवो का जो जी टू प्रो वाला फोन है भाई, यहाँ पे इतने वेट कर रहे हैं हम इस फोन का। वीवो का जी वन प्रो इतना बढ़िया स्मार्टफोन था, अब इसलिए वीवो जी टू प्रो का ना बहुत इंतजार हो रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाले इस वीवो के जी टू प्रो के बारे में, क्योंकि ये फोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है वीवो की तरफ से। तो पूरा वीडियो देखिएगा गाइज, जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे जो वीवो का जी टू प्रो होने वाला है, एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाले वीवो की तरफ से। वीवो सबसे पहले तो यार, वीवो का जी वन प्रो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आया। अब वीवो का जो जी टू प्रो होने वाला है, ये भी बहुत ही बड़े स्मार्टफोन होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करूंगा स्पेसिफिकेशन के बारे में, देन मैं लास्ट में बात करूंगा प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन में। तो डिजाइन वाइज वाइज इस फोन में इसमें ग्लास बॉडी देखने मिलेगी हमें भाई। वीवो के जीवन प्रो में एक पॉलीकार्बोनेट मिला था, प्लास्टिक बॉडी मिली थी, लुकिंग ठीक था बट प्लास्टिक बॉडी थी। बट वीवो का जो जी टू प्रो होने वाला है भाई, यहाँ ग्लास बॉडी देखने मिलेगी। डिस्प्ले में बात करता हूँ, डिस्प्ले गाइस यहाँ पे मिलने वाला है 6.5 इंच का एक फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस बार मिलेगा और एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी यहाँ पे, क्योंकि वीवो ने सुपर एमोलेड पैनल दिया और फुल व्यू भी दिया है। इन डिस्प्ले में अपन सेंसर भी देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले सबसे बेस्ट मुझे इस फोन का लगा। तो इसमें पॉपअप मिलेगा भाई, क्योंकि फुल व्यू है। तो बात कर लेते वहीं पे इस फोन के भाई चिपसेट के बारे में। इसमें भाई हमें मिलने वाला स्नैपड्रैगन का 730G का चिपसेट। आपको पता ही है भाई, स्नैपड्रैगन का ये जो प्रोसेसर है बहुत पावरफुल प्रोसेसर है और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा इस प्राइस के हिसाब से। तो वीवो का जो मतलब इस फोन का जो प्रोसेसर भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं बात करते हैं कैमराज के बारे में। बीच बोला जा रहा है इस फोन में हमें मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और भाई हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया पर्सनली बात मुझे लगता है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल आपको पता है इतना अभी हाइप में है, तो 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाएगा जो सैमसंग का 108 मेगापिक्सल आई थिंक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम किया हुआ है। देन उसके साथ आपको चार कैमरा मिलेंगे क्वाड कैमराज, तो 108 मेगापिक्सल मेन, देन डेप्थ सेंसर, वाइड एंगल, बहुत सारे कैमरा, मतलब आपको पता है चार कैमरा आजकल मिलते हैं, तो पांच भी हो सकता है, चार मुझे जितना लगता है। सेल्फी कैमरा मैंने जैसे ही बताया था कि ये फोन जो है फुल व्यू होने वाला है, तो यहाँ पे हमें मिलेगी 32 मेगापिक्सल की एक पॉपअप सेल्फी। तो भाई पॉपअप की आपकी सेल्फी होगी, तो भाई सेल्फी कैमरा भी आपको बढ़िया देखने मिलेगा, 32 मेगापिक्सल की आपको पॉपअप सेल्फी देखने मिल जाने वाली है। वही बात कर लेता हूँ बैटरी के बारे में। इस फोन में मिलने वाली गई 5000 mAh की बैटरी, जैसे आपको पता है जीवन प्रो में 5000 mAh मिली थी, इसमें भी 5000 mAh की बैटरी होगी, टाइप सी भी होगा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात लगी, बिकॉज माइक्रो यूएसबी था पिछले बार, बट इस बार टाइप सी भी और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी यहाँ पे वीवो की तरफ से। तो 5000 mAh की बैटरी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। यूआई का मैं बात करता हूँ, एंड्रॉइड 10 आएगा ऑल द बॉक्स। आप देखते हैं ये फ्रंट टच ओएस के साथ ही रन करेगा जो वीवो का होता है, ये एक डिसअपॉइंट बात लगती है मुझे ना। वीवो का तो भाई फोन अभी बहुत ही अच्छे ला रहे हैं वीवो, जो जो मतलब कभी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन भी आ रहे हैं। और लास्ट बात कर लेता हूँ प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, इन दोनों मतलब इस फोन के बारे में। तो प्राइस में बात करता हूँ तो ये 15,000 रुपये के वो होगा, हाँ, क्योंकि पिछले बार भी जो उसका बेसमेंट आया था वो 15,000 में आया था। इस फोन का जो बेसमेंट होगा 15,000 में होगा। तो आप 15,000 में देखते हो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, फुल व्यू डिस्प्ले, सुपर एमोलेड पैनल, पॉपअप सेल्फी, स्नैपड्रैगन 730G, ओवरऑल मुझे इस प्राइस में 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी, तो ये ओवरऑल ना मुझे इस प्राइस में वीवो ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। लॉन्च डेट की बात कर लेता हूँ, तो लॉन्च डेट जो है गाइस इस फोन की आपको अगले साल ही मिलेगी। इंतजार कर रहे थे कि हमें इस साल एंड तक मिल जाए, मगर नहीं, अब ज्यादा तक मुझे लग रहा है कि आपको अगले साल ही मिलेगा, अगले साल या तो फरवरी मार्च में मिल जाए, तो जनवरी में, अभी तक कोई पता नहीं, बट अगले साल मिलेगा। तो वेट करना है तो आप अगले साल का वेट कर सकते हैं, बट यार फीचर्स इतने अच्छे हैं तो आपको वेट भी बनता है। एंड गाइस ये है पूरा वीवो का जी टू प्रो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप वेट करने वाले हो उस फोन के लिए नहीं, और इस वीडियो आप लोगों को पसंद आई है जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अभी तक आपने नहीं किया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।